हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, न्यू कफाला सिस्टम के लागू होने के बाद से बहुत से यहाँ पे जो काम कर रहे लोग, सब कोई जानना चाहते थे कि नया अब जो ट्रांसफ़र प्रोसेस होगा, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र लेने की जो नई रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या होगी, उसको कम्प्लीट इसका जो प्रोसेस है वो जानने के लिए बहुत लोग एक्साइटेड है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उसी से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यू कफाला सिस्टम लागू होने के बाद अभी वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है कि कोई एक वर्कर दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पांच ऐसे कैटेगरी है प्रोफेशन के जिनके लिए ये कानून में कोई बदलाव नहीं है, यानी वो इस कानून का लाभ नहीं ले सकते। हालाँकि ये जो नया कानून है ये यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। पांच प्रोफेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक है होम गार्ड, जो लोग होम गार्ड की जॉब कर रहे हैं यहाँ पे वो ट्रांसफ़र नहीं ले सकते दूसरे कंपनी में, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा डोमेस्टिक वर्कर, जो छोटे मोटे काम करते हैं वो नहीं ले सकते। तीसरा है प्राइवेट ड्राइवर्स, चौथा है स्टेफर्ड और पाँचवा है फार्मर्स। तो ये पाँच ऐसे प्रोफेशन हैं जिनको इस कानून से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, कोई बंदा अगर काम कर रहा है किसी कंपनी में या फिर कोई बंदा नया आया है सऊदी अरबिया में, वो कैसे दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता है, उसके लिए पांच कंडीशन रखा गया है। अगर ये पांच कंडीशन में आप मेट करते हो सब कुछ, तो आपके लिए दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र लेना ईजी है। क्या है मैं आपको बताता हूँ वन बाई वन। सबसे पहला ये शर्त रखा गया है कि कोई भी वर्कर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो यहाँ का जो रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करता हो, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए रास्ता क्लियर है। पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन, अगर कोई वर्कर यहाँ पे पहले से काम कर रहा है किसी कंपनी में, तो उस कंपनी में एटलीस्ट वन ईयर कम्प्लीट हुआ होना होगा। तीसरा कंडीशन, जो भी कोई वर्कर काम कर रहा है यहाँ पे किसी कंपनी के पास, उनके पास डॉक्यूमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट पेपर होना चाहिए उस कंपनी के साथ जो काम कर रहा है उसका। चौथा, अगर आप कोई नई कंपनी में जा रहे हैं तो आप नई कंपनी को रिक्वेस्ट करोगे कि मेरा जॉब ऑफर लेटर क्यूआ पोर्टल में आप अपलोड करिए ऑनलाइन। यह रहा चौथा कंडीशन। पाँचवा कंडीशन, कोई वर्कर जो करंट कंपनी में काम कर रहे हैं उनको ये करना है कि उनको एक ऑनलाइन नोटिफिकेशन देना है, या ऑफलाइन आप नोटिफिकेशन दे सकते हो अपने कंपनी में कि मैं दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र लेने वाला हूं। उसके बाद करंट कंपनी जो उनका रूल होगा उसके अकॉर्डिंग उनका नोटिस पीरियड सर्व करेगी। तो दोस्तों, ये रहा पांच कंडीशन वर्कर के लिए, जो बंदा काम कर रहा है किसी कंपनी में उसके लिए ये पाँच कंडीशन। अब हम बात करेंगे, चार कंडीशन रखा गया है न्यू कंपनी के लिए। न्यू कंपनी मीन्स जिसमें आप ट्रांसफ़र लेने वाले हो, वो कंपनी को भी चार कंडीशन रखा गया है, उसमें भी वो कंपनी कॉम्प्लाइंस में रहना चाहिए, तभी आपको ट्रांसफ़र लेना पॉसिबल है। क्या कंडीशन है मैं आपको बताता हूँ। पहला कंडीशन ये रखा गया है कंपनी के लिए कि अभी जो करंट में रूल और रेगुलेशन है सऊदी लेबर मार्केट का, उसमें कॉम्प्लाइंस रहना है उस कंपनी को। सेकेंड रखा गया है, उस कंपनी का जितने भी लेबर काम कर रहे हैं सारे लेबर जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट रहना है, किसी का बाकी ना रहा हो, यानी कंपनी जो है कंप्लीटली जो लेबर लॉ का रूल से उसको फॉलो करती हो। ये दूसरा। इसके अलावा तीसरा एक कंडीशन रखा गया है कि अभी सऊदी गवर्नमेंट का जो नया रूल वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे प्रोफेशन टेस्ट ले रहे हैं सऊदी काउंसिल को लेकर के, ये सारे जो डिजिटाइजेशन प्रोग्राम है उनका, इस पर भी कंपनी कॉम्प्लाइंस रहना है, तभी उनको मतलब अलाउ करेगी कि कोई नए वर्कर को आप अपने पास ट्रांसफ़र ले सकते हो। इसके अलावा कॉम्प्लाइंस विद द सेल्फ इवोल्यूशन में क्या है कि आने वाले वक्त में जितने भी जो रूल्स है सऊदी अरबिया के, उसमें भी कंपनी को कॉम्प्लाइंस रहना है। उसमें से एक रूल्स है कि अभी 20% या 50% 15% जो रूल्स है कि यहाँ के लोकल सऊदीज को जॉब देना है कंपनी को, उसमें भी कंप्लाइंस रहना है कंपनी को।
तो ये चारों चीज़ों में अगर कोई कंपनी कंप्लाइंस में है तभी वो कोई नए वर्कर को अपने कंपनी में तनाजुल या ट्रांसफ़र के थ्रू ले सकते हैं। अब इसके अलावे जो वर्कर हैं उनके लिए 8 कंडीशन ऐसे भी रखे गए हैं जिसमें कोई शर्त नहीं होगा। अगर ये 8 कंडीशन में 8 कंडीशन है उसके साथ कोई वर्कर के साथ, तो फिर वो कोई बिना कंसर्न के कंपनी का बिना अप्रूवल के डायरेक्ट किसी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता है। वो 8 कंडीशन क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई नया बंदा आया है सऊदी अरबिया में, आने के बाद 3 महीने से कंपनी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ये एक कंडीशन रहा, तो वो बिना किसी कंसर्न के कंपनी का ट्रांसफ़र ले सकता है। दूसरा, 3 महीने से उस बंदे को सैलरी नहीं मिला है, अगर ये कंडीशन रहा तो भी वो ट्रांसफ़र ले सकता है। तीसरा, अगर आपका कफिल कंपनी का ओनर मौजूद नहीं है सऊदी अरबिया में, या फिर उनका किसी वजह से डेथ हो जाता है, तो भी आप तनाजुल ले सकते हो दूसरे कंपनी में, या फिर आपका कफिल अगर जेल में है तो भी आप तनाजुल ले सकते हो उनका बिना कोई कंसर्न के। चौथा, अगर आपका इकामा एक्सपायर है और वो रिन्यू नहीं कर रहे तो भी आप ले सकते हो। इसके अलावे पांचवा, तसत्तुर में आप इन्वॉल्व नहीं हो। तसत्तुर एक्चुअली ये अरबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है बिजनेस, कोई भी इल्लीगल बिजनेस आप नहीं करते। जैसे बहुत कोई लोग क्या करते हैं, कंपनी में आकर के इल्लीगली कोई होटल चला रहे, दुकान खोले, तो इस तरह का कोई भी चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं है तो आप ले सकते हो। इसके अलावे जो 6 कंडीशन है वो ये रहना है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे आ गया किसी कंपनी में और उसको ये लगता हो कि ये कंपनी या कफिल में आकर के मैं फंस गया, ये लोगों को ब्लॉक करके रखता है, मतलब कोई इल्लीगली वो काम करता है, अगर ऐसा कोई कंडीशन है आपके कंपनी का और आपके पास प्रूफ भी है तो फिर आप तनाजुल ले सकते हो कोई नए कंपनी में। क्योंकि पहले ये होता था, बहुत कोई आकर के कफिल के अंडर में या कोई कंपनी में आके फंस जाते थे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, तो अभी ये नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में ये सारे चीज़ बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए। इसके अलावा सातवां जो कंडीशन है वो ये है दोस्तों कि मान लीजिए आपके साथ कोई आर्गुमेंट चल रही हो, डिस्प्यूट चल रहा है आपके कंपनी के साथ या फिर कफिल के साथ, और वो जो कंसर्न है वो चला गया है लेबर मार्केट में, या फिर वो चला गया आपका लेबर ऑफिस में, कोर्ट तक चला गया। अब वहाँ पे आपको अटेंडेंस देना पड़ता है जब भी डेट रहता है। मान लीजिए 2 बार आपका कफिल या कंपनी का जो ओनर है वो अटेंड नहीं कर पाता है 2 बार जो डेट पे आपको बुलाया जाता है उस डेट में, तो आप 2 बार के बाद ऑटोमेटिकली बरी हो जाओगे, आप फ्री हो जाओगे। इसके अलावा 8वां जो पॉइंट्स है वो ये रखा गया है, अगर कोई कंपनी अपने आप अलाउ करती है बिना कोई डिस्प्यूट के, बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशन के आपको अलाउ करती है कि हाँ आप ले सकते हो, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि अभी नया जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है न्यू कफाला सिस्टम के बाद ये रहने वाला है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को समझने में आसानी हुई होगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिस पे हम बात करेंगे कोई नई रिलेटेड यहाँ की इन्फॉर्मेशन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए।